आज हम नई एक्सरसाइज और आपकी पढ़ाई की नई एक्सरसाइज भी शुरू हो रही है जिसका नाम एलजेब्रा है। अभी तक आपने एलजेब्रा का नाम सुना था लेकिन है क्या वो अब आपके सामने शुरू कर रहे हैं। एलजेब्रा को हम लोग बीजगणित कहते हैं। हिंदी में जाते हैं तो आप यूपी बोर्ड की किताबों को देख सकते हैं, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। अंक गणित को आपने पहले पढ़ा अर्थमेटिक को, अब हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो एलजेब्रा में है विशेष ऐसी क्या चीज जो हमको नहीं आती, आपने कभी पढ़ी भी नहीं है, आपकी जितनी पढ़ाई हो गई वन से लेकर फिफ्थ तक कभी एलजेब्रा शब्द पढ़ा ही नहीं, ये क्या है? ये दो नंबरों से मिलकर चलता है, एक तो आपके अर्थमेटिक नंबर और दूसरे अल्फाबेट जो इंग्लिश में आपने पढ़े थे ए से लेकर जेड तक, उनकी जानकारी लेना है। वो है क्या, वो किस प्रकार से नंबरों में मिलती है, उनके बारे में देखना है। तो जरा देखें, जैसे कि हम ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। अब ए में ए प्लस कर रही है, ए में ए प्लस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू वन नंबर के बराबर है, इसकी भी वैल्यू वन नंबर के बराबर है तो इसका आंसर क्या होगा, टू ए, यानी कि वन ए बने जोड़ दिया तो टू ए, ए जरूर बना रहेगा, ऐसा नहीं यहां पर हट जाएगी। अगर ए का ए में मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ए में मल्टीप्लाई कर दे तो इसका तुम सोचो टू ए होना चाहिए, नहीं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। विशेष ध्यान रखनी है ये चीजें, ए प्लस ए इजूक्ट टू ए, ए मल्टीप्लाई ए इजूक्ट ए स्क्वायर। अब हम एक और चीज लाते हैं आपके सामने, अब आप देखो दो अल्फाबेट हो गए, ए ए तो है ही लेकिन दूसरा बी और आ गया, अब ये क्या कैसे जोड़ा जाए? तो आप देख सकते हो जो सेम वेरिएबल जिनको हम वेरिएबल कहते हैं अल्फाबेट नंबर को, ये सेम वेरिएबल अगर होंगे तो प्लस होंगे और नहीं होंगे तो नहीं हो सकते। अब इसके पास तो वन है, इसके पास टू है, ये तो इसमें डिजोल्व हो जाएगा, ये आप सोचे बी में चला जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो कैसे, वन और टू थ्री, थ्री ए हो गया लेकिन ये अलग ही रहेगा, इसका घर अलग रहा क्योंकि अलग वेरिएबल में है। अब इसी को हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लें, अब आप देखो क्या करें कि अब ये भी अलग रहेगा, नहीं मल्टीप्लाई फॉर्म में ये सभी जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे, जैसे ए ए का मल्टीप्लाई किया था हमने तो ए स्क्वायर, टू नंबर वैसा ही है तो टू ए स्क्वायर बी। अब मींस क्या हुआ, आपने देखा कि हमने दो वेरिएबलों के बीच में कोई साइन नहीं लगाया है ए और बी में, तो हम कह भी सकते हैं इन दोनों का आपस में रिलेशन मल्टीप्लाई का ही रहेगा और ये कंबाइंड हो गए। अगर इसके फैक्टर बनाते तो हमारा फैक्टर बनेगा टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। अब आओ तीसरी इसकी बात, तीसरी बात में क्या है, जैसे अभी तो हमारे पास एक था, यहां पर एक और दो हो गए, एक और तीसरा मिल जाता, जैसे सी और मिल गया, ऐसी मिल सकता है ये जरूरी नहीं है। तो मींस हमारे पास ये और ये, इनके नाम चेंज हो गए, इनको कहते हैं मोनोमेयर मींस सिंगल व्यक्ति,
दूसरा होता है बाइनोमियल मतलब दो, और इसको कहते हैं ट्राइनोमियल तीन। अब तीन से ज्यादा भी होते हैं मोर देन थ्री, तो पॉलिनोमियल के नाम से जाने जाते हैं। या आप अपनी इस बुक में पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैंने आपको केवल इस बुक का जो मेन मेन डिटेल चीज है वो पढ़ाई है। अब हम देखते हैं आगे इसके 7A में कैसे काम करता है ये। जैसे देखो क्वेश्चन मैंने लिखा है एट मोर देन एक्स, तो हमारे पास मोर, मोर मींस क्या होता है प्लस करना, तो एक्स जो हमारा अल्फाबेट है तो एक्स में एट को जोड़ देना तो एक्स प्लस एट हो जाएगा। अब ऐसी कहता है द सम ऑफ ए एंड नाइन, द सम, सम मींस प्लस, ए और नौ को, ए और नौ को जोड़ना है तो आप कैसे लिखेंगे ए प्लस नाइन। ये आपका दूसरा वाला बी वाला था, ए वाला आपका सॉल्व है किताब में। ऐसे ही द सम ऑफ एन एन एन, अब आप देख रहे हो अर्थमेटिक नंबर कोई भी नहीं, यहां तो अर्थमेटिक था, यहां दोनों एल्जेब्रिक नंबर है तो एन और एन का सम करना है, सम प्लस तो एन प्लस एन, इतना ही करके छोड़ देना है। अब वो कहता है थ्री लेस देन आर, सॉरी एक और द सम आर थ्री लेस देन आर, अब मींस क्या है, अभी तक सम और ऊपर था मोर, अब आता है लेस, लेस मींस कम, तो मींस क्या है तीन को कम करो किससे आर से, तो आर माइनस थ्री मींस हमने आर में से तीन कम कर दिए। अब वो क्या है एक और क्वेश्चन आ जाता है इसमें थ्री लेस देन फ्रॉम आर या आर लेस देन थ्री, तो हमें आर को माइनस करना होगा थ्री में से, डिजिटे पलट जाएंगे। अच्छा अब आगे है सिक्स टाइम्स पी, अब मतलब छह गुना पी का कर दो तो टाइम्स, तो सिक्स मल्टीप्लाई पी होता है तो इसका जवाब हो जाएगा सिक्स पी, जो मैंने अभी मल्टीप्लाई करके भी दिखाए थे प्लस माइनस करके दिखाए थे। अब वन थर्ड ऑफ एक्स, अब कहता है वन थर्ड, तो वन थर्ड लाइए आप वन अपॉन थ्री, अब ऑफ एक्स, हां एक और ध्यान रख लो आप लोग एक्स बनाना इस तरह सीख लो, क्योंकि जब आप एक्स ऐसा कट्टा वाला बना दोगे तो दो दो क्रॉस हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट ये किया हमने दोनों एक्स बना दी, क्योंकि आप इस साल पहली बार पढ़ रहे हैं एलजेब्रा इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि आप एक्स का यूज सबसे ज्यादा करेंगे एलजेब्रा में, तो हमें इस तरह एक्स ना बनाते हुए इस तरह बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है ये दोनों और एक्स भी आपका वैसे दोनों एक जैसे हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब आपका वन अपॉन थ्री एक्स इस तरह से जवाब आ जाएगा, तो आप इसी तरह करते रहिए। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है सेवन मोर देन फोर टाइम्स आर, तो फोर टाइम्स आर तो चार गुना है आर से, तो फोर आर प्लस सेवन हो जाएगा। ऐसे ही है फोर टाइम द सम ऑफ बाई एंड सेवन, देखो बाई प्लस सेवन को जोड़ दिया और फोर टाइम्स कर दिया, इस तरह बना देंगे। तो कोशिश करना पढ़ना आ जाएगा, फिर नहीं तो फिर आगे देखेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखना जो मैंने अभी वीडियो बनाई है,
ये नहीं आप वीडियो छोड़ देते हैं, नहीं एलजेब्रा समझ में नहीं आएगा, फिर आप कितनी किताब पढ़ना। अच्छा एक और दूसरी बात सुन लीजिए, आपके पास एक इंफॉर्मेशन पहुंची थी कि किस तरह से क्या क्या होना है, ये आपने अपने मम्मी पापा को दिखाई है कि नहीं दिखाई है? अगर नहीं दिखाई है तो आप जरूर उनको दिखा दीजिए, समझा दीजिए उनको इसमें है क्या। इसमें आपको पहले पिछले सत्र की जिसकी फीस नहीं जमा है वो कंपलसरी पहले तो आप उसको कंप्लीट कराइए, और इस साल की 2 महीने की फीस आपको देनी है एग्जाम से पहले, यानी कि 3 तारीख से पहले। अगर आपकी एग्जाम फीस, जैसे एग्जाम 12 तारीख को है, उससे पहले अगर आपकी 2 महीने की फीस नहीं आती है तो हम आपकी परीक्षा से आपको वंचित कर देंगे, और यहां तक कि हो सकता है आपका व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है वो भी हम डिलीट यहां से कर दें, तो आपको ये ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, फिर आप मत कहना। और 4 महीने की फीस आपको माफ कर दी गई है, ये आपको लिखा है अप्रैल मई जून जुलाई, 8 महीने की फीस बाकी रह गई है, तो 2-2 महीने करके आप कर सकते हैं इकट्ठी करने, अगर चाहते हैं तो इकट्ठी भी कर दीजिए, नहीं तो 2-2 महीने करके आपको जमा करना पड़ेगी। और आपकी जो फर्स्ट टर्मिनल जिसने एग्जाम नहीं दिए हैं, सुन ले ध्यान से, तो वो सेकंड टर्मिनल में जरूर जुड़ जाए, अगर नहीं जुड़ेंगे तो आप क्लास से वंचित रहेंगे, जैसे 6th क्लास में है तो 6th क्लास में ही रहेंगे, 7th क्लास में नहीं जाएंगे, ये आप सोच लें अच्छी तरह से।